लोग जो तकलीफें मुझे दी हैं, उसे मैं अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। लोग कहते हैं तुम दुख और तकलीफें उन्हें देती हो जिनसे प्यार करती हो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो माँ कि आंखों से आंसू की जगह खून निकल आए। तुम्हारे पास तो दुखों का भंडार है, लेकिन मेरा आंचल बहुत छोटा है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी। मैंने तो सदियों से अपने भाई को राखी बांधती चली आ रही है, फिर सदियों से चलता आ रहा है ये भाई बहन का प्यार, मेरे हाथों अभिशाप क्यों हो गया? क्या इसलिए कि मैं अभागिन हूँ? नहीं माँ, मेरे अभागेपन की सजा मेरे भाई को मत दो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। राखी का त्योहार तो आएगा, लेकिन भाई की कलाई सूनी ही रहेगी। उसे बचा लो माँ, उसे बचा लो। औलाद का चेहरा देखना पाप समझता हो, क्या उसका दुख दर्द सुनना अपना फर्ज समझेगा? सूरज, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस अभागत से तेरा विश्वास नहीं उठा? विश्वास वो तो तुम्हें करना है माँ, अटल विश्वास कभी डिगा नहीं करता। मेरी बहन अभागत नहीं, भाग्यवान है। ये देखो हाथ पे उसने राखी बांधी, वो हाथ अभी भी सलामत है। हाथ तो वो कटा जिस पे उसने राखी नहीं बांधी। काश तुम हाथ पे राखी बांधने का रिवाज होता मां। कुछ हो सकता है? तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ क्यों नहीं बोल रहे ना भैया? ये कैसी बात कर रही हो तुम? अरे झूठ तो दिल दुखाने के लिए बोला जाता है ना, दिल रखने के लिए नहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये भाई कभी अपने दीदी का दिल तुम्हारा सकता है? सूरज
जानती हूँ मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है, इसलिए मेरे हाथों हमेशा बुरा ही होता है। तुम मेरा दर्द, मेरी आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन एक बेटी के लिए माँ की बड़ी जरूरत होती है। मामा, कभी सपने में तो आकर पूछ कि बेबी तेरा हाल क्या है। उसका जवाब आता ही होगा।
मर्जी का बेटा अमर आया है। अरे हाँ अमर, जीत रहो बेटा, जीत रहो। आओ बैठो बेटा। राम जी नहीं आए तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है, है ना बेटा? जी अभी कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे सुरेश बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आती। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी, जी। हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भली भाली है और घर के काम काज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आगे अमर जी। ये मेरा बेटा सूरज। हेलो हेलो, बैठो 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 अमर बेटे। सूरज बेटा देखना कितना फोन है। जी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो, तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चल रही हूँ। बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू थैंक यू। कौन हीरो? मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं एक फौजी हूं और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या है, आपकी आंखों में आंसू? देखिए आंसुओं के कोई रंग नहीं होते, जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मोहरत।